हे हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ है प्रतिमा सिंह एंड सी इज बेसिकली फ्रॉम बोकारो झारखंड। एंड अभी प्रतिमा ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाइड किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 48। एंड प्लस प्रतिमा का आईटीसी में सिलेक्शन हुआ है सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में। सो मतलब सोने पे सुहागा, रैंक भी प्लस कैंपस भी। सो सुनते हैं प्रतिमा की स्टोरी, बिकॉज सी ऑल्सो टुक मल्टीपल सम ऑफ अटेम्प्ट, नॉट मल्टीपल अटेम्प्ट बट या सी ऑल्सो सिक्योर्ड रैंक। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट हर जर्नी। सो कैसे हो प्रतिमा आप, हाउ आर यू? भैया भैया ऑल थैंक्स टू यू। आपकी वजह से इंटरव्यू उस दिन इंटरव्यू में बैठ के आपको मन से थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। बहुत थैंक्स थैंक्स। सो लाइक हेल्प आया आपको। या क्या फीलिंग था ऑफर लेटर लेने के बाद? एक्चुअली मेरे केस में क्या हुआ था ना, ऑफर लेटर वो लोग मेरे को आईटीसी का हेडक्वार्टर में ले जाके ही दिए थे, कैंपस तो नहीं मिला था। तो वो तो अलग सा ही एक्सपीरियंस था, पूरा गूज़बम्प्स था, खुशी भी था। तो ऑफर लेटर पढ़े भी नहीं थे, लेकिन देख लो नहीं, मेरे को साइन करना है बस। तो काफी फोन करके कब बोलेंगे। तो वो दिन ना, उस दिन रियलाइज नहीं हुआ कि कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि वो रियलिटी है उसको समझने में 2 दिन लग गया, बट जब समझ में आया बहुत खुश हूँ। इवन अभी तक उसी प्रोसेस में, हाँ फाइनली चलो हो गया। अच्छा, घर पे अब लाइक मम्मी का कैसा रिएक्शन हाँ मम्मी तो रो ही देती है जब रिजल्ट का है? बताओ तो भी, और कैंपस को बताया तो भी, काफी खुश थे सब लोग। राइट अभी राइट तो ऐसा है राइट। कि घर पर जो भी आता है पहला सीजन पर यही बताया जाता है, सब कैंपस हो गया। वो पूछो ना कुछ ना कुछ फिर बता देते हैं। पैकेज में जरूर बताते होंगे। पैकेज चलिए नहीं बताते, आप तो होगा पैकेज बताएंगे तो नजर लग जाएगा बताते, सामने हाँ वाले। और वो थोड़ा सा शो ऑफ पे में भी लगेगा, तो बस अच्छा, इतना बताते हैं। हाँ नहीं चलो अच्छा है। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर कैंपस, और थैंक्स आल्सो कि आपने मेरे को ट्रस्ट किया और मेरे कोर्स में आपने ज्वाइन किया। इसीलिए आपको हम सबसे फॉलो कर रहे हैं ना। जब आप वो वीडियो डाले थे जनता वाला, फिर आपका वो स्टोरी था जो आपका खुद सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था, फिर इधर उधर से आपको सब कुछ बोल रहे थे, रेस्टोरेंट में आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं आपको। तो हमेशा यूट्यूब पे देखते रहते थे आपके इस क्लास के बारे में, जो अपने फ्रेंड्स से सुने थे। हाँ तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था आपकी क्लास लेना, थैंक्स क्योंकि क्या थैंक्स। होता है एग्जाम में तो पता होता है कि ये पढ़ना, बट इंटरव्यू के लिए कोई चाहिए होता है जो आपको गाइड करे एक्चुअली में क्या पढ़ना है, जो पढ़े उसको कैसे बोलना है। या वो जैसे मेरा वो इंट्रोड्यूस जो सेल्फ में था आपसे, मेरे लाइन से क्या लग रहा था कि हाँ बस डायरेक्टली और बोल रहे, बट वो कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे मेरे को अच्छे से बोलना है, ये सारा चीज बहुत हेल्पफुल था। एंड आपका मॉक इंटरव्यू नहीं होता तो हम वहां जाकर तो बेहोशी हो गए होते, बात कोविड में कोर्ट पर हम जाके थे, बट इतना ज्यादा ठंड लग रहा था ड्यू टू नर्वसनेस, अच्छा सर समय लग रहा था आप से बोल रहे हो शांत रहो भी काम हो। मैं तो कॉल भी किया था आपको मान के, तो कॉल किया था। बहुत काम हो गया आपका। सो ऑल्दो मेरा टाइमिंग इश्यूज होता था तो हम लाइव क्लास में आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाते थे, बट अब थ्रू आउट आपको कॉल करके जब भी पूछो आप हमेशा गाइड करते रहे, तो थैंक यू सो मच, या वेलकम वेलकम वेलकम। सो हम बहुत सपोर्ट रहा आपका। स्टार्ट करते हैं हाँ आपकी भैया जर्नी। सो सबसे पहले ना, आप लाइक आपने सीएमए किस ईयर में और कैसे आपने सीएमए ज्वाइन किया? मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद बैठ के सोच रहे थे करना क्या। मेरी एक फ्रेंड वो सीएमए ज्वाइन की थी, तो उसके साथ में हाँ चलो सीएमए कर लेते हैं। फिर 2019 में हम लोग का प्लान है सीएमए करना, तो स्टार्टिंग कुछ ऐसा नहीं था, बस हाँ करना है। बट एक बार जब इस कोर्स में घुसे, इसके बारे में सारा कुछ पता चला, तो फिर वो लाइक ऐसे बन गया नहीं अब तो ये करना ही है। फिर कोविड आ गया तो थोड़ा तो टाइम ज्यादा लग गया, एंड देन इंटरमीडिएट का रिजल्ट अच्छा हुआ, उस बार सबका ही रिजल्ट अच्छा हो गया था, तो सारे को हम लोग फाइनल में पहुंच गए। बट एक बार फाइनल में आने के बाद पता चला वो बहुत टफ है ये। एंड दोनों ग्रुप मेरा था हम साथ में ही दिए, तो वो 8 दिन के लगातार पेपर देना होता है, जॉम्बी बन के देना होता है, वो बहुत चैलेंजिंग था। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप में कॉस्ट ऑडिट और एसक्यूएम डीवी के पेपर की वजह से हम फेल हुए थे। लाइक उसमें मेरा सोच के था कि एग्जम्पशन आएगा, बट वही दो मेरे एग्रीगेट में कम रह गया था, 186 और 192 या 93 ऐसे कुछ आया था। लकीली जो सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें मेरे एसक्यूएम बीवी की वजह से पूरा ग्रुप निकल गया, 74 एंड अप्रोक्स 60 के आसपास आया था उसमें। तो वो नहीं होता गुस्सा सा आ गया कि अरे इसमें सोचे थे एग्जेम्पशन बट आया क्यों नहीं, तो वो डबल मेहनत करके फिर पड़े थे। और बाकी हाँ हो गया। फिर उसका तुम्हारा फाइनल बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, राइट?
फाइनल बोर्ड पे क्लियर हो गया। अच्छा, जब बोथ ग्रुप क्लियर हुआ एंड यू आल्सो सिक्योर द रैंक, तो सोचा था कि रैंक भी आएगा जो मैं पढ़ाई जिस तरीके से कर रही हूँ। बिल्कुल भी रैंक जाएगा, वो रैंक के लिए तो वो रैंक पे चेक भी नहीं किए थे मेरे ऑफिस में, सारे लोग बताए कि अरे रैंक आ गया, मेरे तो प्रेयर था बस पास कर दो, 400 नंबर चाहिए पता। या लकी थे और अच्छा, लाइक आपके फर्स्ट बार में अटेम्प भी लगे एंड देन फिर आपने फाइनल में रैंक लाया, तो लाइक ये अटेम्प और रैंक तक की जर्नी कैसी थी? लाइक क्या मिस्टेक्स आपसे हो गए थे जो आप फिर से नहीं करना चाहते? पहला मिस्टेक तो जो फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद समझ में आया कि आंसर पेपर को अच्छे से लिखना चाहिए, मतलब जो हाईलाइट जहाँ जरूरी है वो करो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो, इसलिए यहाँ चलो हाफ बचा तो वही से लिख देता है। सेकंड अटेम्प्ट में क्या था ना, सारे आंसर्स को जो प्रॉपर आंसर्स है वो हाईलाइट किए, जैसे कॉस्ट ऑडिट के पेपर में क्या था कि पॉइंट के बाद डेसिमल्स नहीं लिखने पे वो लोग मार्क्स कट कर दे रहे थे, तो सेकंड अटेम्प्ट में ये ध्यान रखे कि हाँ जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 डिजिट का डेसिमल मेंशन करना है तो वो लिखना है, फिर हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से रखना है। ऑल दो टाइम मेरे केस में तो ऐसा था, हम अकेले रहते थे, खुद ही कुक करो, खुद ही सारा काम करो, एग्जाम दो, तो वो 15 मिनट पेपर पढ़ने का कभी नहीं मिला, क्वेश्चन पेपर लिखता जस्ट जाओ क्वेश्चन पढ़ो और लिखते थे, तो वैसा था कि दिमाग काम करके पूरा शांति से एकदम पेपर लिखे थे। और हाँ पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत सही सेकेंड टर्म में रहा और वो हेल्प किया मेरे को। एंड फर्स्ट टर्म में क्या था कि रिविजन जो है मेरा थोड़ा कम था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली खड़ा हुआ था वो, तो सेकेंड टाइम में वो दोबारा 2-3 रिविजन उसका हो गया, और बेसिकली जितना पास्ट ईयर पेपर्स था 2019 के बाद से फाइनल का वो सारा प्रैक्टिस किए, एंड दो तीन क्या मोर देन 5 क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट में आ ही गए थे उन सारे पेपर्स मिला के, तो वो नहीं था क्वेश्चन ये तो सुबह में बना के आए थे, मजा ऐसा मजा होता मिला है, रहा था। मेरे साथ भी हुआ था, कॉस्ट ऑडिट के पेपर में हुआ था। तो भाई मिस्टेक वो चीजें जो मैं पढ़ के गया था वही आया था, बस उन्होंने अमाउंट ना 3 टाइम्स कर दिया था सारे फिगर्स, बाकी सब सेम थे, तो ऐसा हो मेरी जाता एसडीएम है। के पेपर में क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन एकदम मेरे को आंसर याद था कि इतना ही आंसर होगा उसका, और जब एग्जाम टाइम में वो सॉल्व किया तो इतना ही आंसर है वो पता था ये पेपर मेरा एग्जाम था, पता नहीं लग सकता अच्छा था कि वो 3 क्वेश्चन सुबह में बना के और बस 3 क्वेश्चन पेपर में आ गए, 10-10-15 नंबर के क्वेश्चन। देखो वही है ना, जब क्या बोलते हैं, किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, तो ये वही वाला डायलॉग था, जब लाइफ में सब कुछ बिल्कुल अच्छा होना होता है तो अच्छा हो के रहता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, सो आपने थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे आपके लाइफ में, राइट? तो आपने किस तरीके से दोनों चीज को टैकल किया, अपने एजुकेशन प्लस फाइनेंशियल चैलेंजेस, और उसको आपने ना अपना प्रॉब्लम नहीं बनने दिया? बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वारीज आते रहते हैं कि सर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, क्या हम CMA कोर्स में करना चाहिए हमें, हम कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे? तो आप थोड़ा सा उससे आप थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट एंड गाइड करो। सो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने अपने लाइफ में ड्यूरिंग दी CMA जर्नी आपने फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आपने फेस किया, अपनी स्टडी भी की, और आपने कहीं ना कहीं भी किसी भी पॉइंट पे फाइनेंस को आपने स्टडी के लिए इशू नहीं बनने दिया, राइट? तो आपने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में, और सब लगभग या तो मिडिल क्लास या तो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और CMA कोर्स कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी थॉट आता है, तो आप उन सब के लिए मोटिवेशन बन सकते हो। सो थोड़ा सा आप उस चीज से आप गाइड। मेरे केस में क्या था, मेरे पापा 2013 में रिटायर हो गए, तो क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया तो कोलकाता में रहना, फिर तो मुझे कभी भी याद है 6,000 रुपीज घर से मिलता था, उसमें सारा कुछ मैनेज करना होता था, तो आर्टिकल शिफ्ट ज्वाइन कर लिए थे एंड दे वेर पेइंग गुड, 15,000 मिलता था उसको, तो मेरा उससे सारा खर्चा निकल जाता था। एंड CMA कोर्स के बारे में ये कहना चाहूंगा, उसमें जितना पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न उससे कहीं ज्यादा है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखो, कैलकुलेटिव होके चलो कि हाँ कैसे कितना में करना है, क्योंकि मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट के टाइम में 1 महीने के छुट्टी में इंक्लूडिंग एग्जाम भी, सारा प्रिपरेशन भी करना, वो एग्जाम भी देना, तो बेसिकली यही सीख है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहो, डेडिकेटेड रहो, जो टाइम मिले 2-3 घंटा ऑफिस जाने के बाद तो उतना ही मिल पाता था उसको पढ़ो, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल ऐसा है कि हम घर पे नहीं आए थे, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए थे, अब जाके ये इतना 2 साल के बाद 10 दिन घर पे रह रहे, तो हाँ बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये याद रखो हमेशा कि हाँ जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका मिलेगा रिटर्न, और जो मिलेगा बहुत खुशी होगा।
तो वो थोड़ा मैनेजमेंट तो था, करना पड़ा था, वो सबका अलग अलग होगा, जो जरूरी नहीं है मेरे केस में अप्लाई हुआ वो उनके केस में भी अप्लाई हो, राइट सबका राइट अपना सर्कमस्टेंसेस होगा। बट वही है, हार्ड वर्किंग करो, हार्ड वर्किंग रहो, डेडिकेटेड रहो। और तो यूट्यूब पे इतना सारा वीडियोस अवेलेबल हो गया है, जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो इतना सारे फीचर्स अपना प्लेलिस्ट बना के डाल दो, सारा बुक्स वगैरह डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो हाँ मेरा तो सारा पढ़ाई है फोन और यूट्यूब के थ्रू ही हुआ है, ओके तो तो मेरा उसमें पैसा सेविंग। आपने क्लासेस नहीं ली थी, आपने बस यूट्यूब एंड फ्री वीडियोज ये सारी चीजें देख के आपने सारी चीजें कंप्लीट की। हम सिर्फ जीएसटी का क्लास लिए थे और कॉस्ट ऑडिट एंड एसकेएमवीपी का क्लास लिए थे, वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस में मेरे को कॉस्ट ऑडिट और एसकेएमवीपी का क्लास मिल गया था। अराउंड दोनों का क्लास मेरे लिए 6,000 क्लास का पड़ा था, और सिक्स बाकी थाउजेंड सारे थर्टी सिक्स सब्जेक्ट थाउजेंड यूट्यूब और सेल्फ, हाँ एंड देन यू ऑल्सो सिक्योर दी रैंक। यश खंडेलवाल बोल के एक सर है, उनका यूट्यूब पे बहुत वीडियो आते हैं, वो पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे। वो ओके मेरा डीटी सबसे बड़ा फियर था, मैं लगता था फेल होगा डीटी के वजह से। वो बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाते, इवन उनके टेलीग्राम चैनल में सारा बुक्स मिल जाएगा, तो वो प्रिंट आउट करा के काफी काम आता है। सीएफआर में संतोष सर है, वो पूरा एएस का 8-8, 9-9 घंटे का वीडियो डाल के रखे हुए हैं। सब सारे सब्जेक्ट का खोजो, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, अगर उनके टेलीग्राम चैनल में जाओ तो नोट्स मिल जाएगा, पैसा वहां बहुत सेव हो जाता। नहीं अच्छी बात है। एक्चुअली अभी मुझे AIR 4 भी मिला है और उसकी भी स्टोरी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ही ऑल्सो डन हिज इंटरमीडिएट एंड फाइनल कम्प्लीटली बाई सेल्फ, बिकॉज उसके पास भी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे तो वो कहीं क्लासेस नहीं ले सकता था। एंड ही ऑल्सो सिक्योर्ड हिज फर्स्ट जॉब इन वेदांता इन CMA कैंपस। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं से कोई क्लासेस नहीं लिया और बाई सेल्फ क्रैक कर लिया। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है ना कि सर मैं टॉप बेस्ट फैकल्टी से क्लासेस लूंगा तभी मेरा रैंक आएगा। तो ये आप लोगों के पास ये लाइव एग्जाम्पल्स है जिन्होंने टॉप बेस्ट फैकल्टी से क्लासेस नहीं भी लिया बट दे ऑल सिक्योर दी रैंक। अच्छा लाइक आप अपने जर्नी से उनको बोलो तो वो कंसिडर भी करते, जैसे एमपीएल क्लासेस थे, मोहित सर का क्लास लिए थे, तो वो जो बाकी लोगों को प्राइस पे दे रहे थे वो थोड़ा सा कम किए थे। एंड बाकी क्लासेस का क्या होता है कि जो फ्रेंड्स लेके रखे हैं आप उनसे शेयर कर लो, तो उसमें भी मैनेज हो जाता है। लाइक टू टू टाइम्स व्यू तो दे ही देते हैं वो लोग, या फिर अगर मेरा क्या है यूट्यूब पे भी क्लास कर या नॉर्मली 2x की स्पीड पे देखते हैं, नॉर्मली देख ही पाते हैं, तो जो 2x में होता है उसका आपका व्यू टाइम कम हो जाता है, तो एक क्लास को दो बच्चे शेयर कर लेते हैं, तो वैसे भी करके काफी काम आया है। फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। ग्रेट। सो ये भी अच्छी मतलब होना चाहिए लाइफ में, अगर अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो आप लाइक जब आपने क्वालिफाई किया आपका रैंक आया एंड देन फिर आपने लाइक मेरी मेंटरशिप भी आपने ज्वाइन की, तो आप ड्यूरिंग दी माई मेंटरशिप आप लाइव क्लासेज में आप इतना नहीं आते थे बट ऑफ क्लासेज जब आप उन वीडियोज को देखते थे एंड नोट्स आपने सारी देखी तो आपको मतलब वो कंप्लीट सपोर्ट लगा था मेरे साइड से कि जो भी वीडियोस थी। हाँ मतलब बहुत ज्यादा, स्पेशली क्या है ना कि इंटरव्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे से वो लोग कॉस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बताओ व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग ये वो लाइफ एग्जांपल देंगे आपको कि ऐसा हो रहा है तो आप कैसे बोलोगे। तो स्पेशली आपके बुक बर्निंग्स में क्या है, पहले आपने जैसे बताया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वो एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प आउट किए थे कि वो कहाँ यूज होगा उसके। फिर हर एक कॉस्टिंग, जितना भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग हो या टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग हो, उसके साथ आपने एक लाइफ एग्जाम्पल्स लेके बताया है, तो वो वहां पे मेरे बहुत काम आया। और एक लाइक वो एक पूछे एक कि मैंने स्टॉक एक फंड मैंने कॉस्टिंग नोट्स कहाँ यूज अलग से भी होता दिया था जिसमें मैंने रियल लाइफ के कॉस्टिंग के केस हिस्ट्री के है। क्वेश्चंस डाले थे। हाँ हाँ वो काफी काम आया, क्योंकि उनका क्वेश्चन वैसे ही था, वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है या तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कैरिंग कॉस्टिंग में अंतर बताओ, वो तुमको मतलब हम लोग को एक एग्जाम्पल देंगे, लाइक योर वर्क उस एग्जाम्पल में बताओ कि तुम कौन सा टेक्निक यूज करोगे, क्या यूज करोगे, या फिर वो कॉस्टिंग टेक्निक पूछ के बताएंगे बताओ रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है, उस राइट टाइम आपका वो बुक बहुत काम आएगा। ग्रेट। चलो मुझे और अच्छे पता से नहीं हाँ होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट आपके वो 24 बुक बर्नर्स का ये काम था कि आप वो रोड मैप मिल जाता है, हाँ ये पढ़ लो, सारा इंडेक्स पढ़ने बैठे भी तो नहीं होगा इंटरव्यू के, पर आपका ये देखिए इतना हो जाता है कि हाँ कोई पूछेंगे तो प्लीज तो बोल पाएंगे, या तो बहुत अच्छा हेल्पफुल। जब आप ITC में आपके कितने राउंड्स ऑफ आपके इंटरव्यू हुए थे वहां पे? मेरा 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू था, 3 राउंड्स ऑफ फोर ही इंटरव्यू। लेके जाऊंगे,
ओके, सो लाइक जब आप आपका कैसा फेयर था उस इंटरव्यू हॉल में, और फिर क्या क्या सिचुएशन आपके साथ हुआ, एंड फाइनली जब ऑफर लेटर मिला, तो वो सारी एक्साइटमेंट और फीलिंग आप शेयर करो थोड़ा सा। सबसे पहले तो जीडी हुआ था मेरा का, और जीडी में वो लोग कोई टॉपिक नहीं दिए, एक पेपर में स्टोरी टाइप का कुछ लिख के दे दिया, एंड 10 मिनट का टाइम दिया था वो पढ़ना था, एंड फिर उसको हम लोग को ग्रुप डिस्कशन करना था। तो जैसे आपने बताया था कि कोशिश करो कि जो पर्सन है उसके सामने बैठने का, सामने बैठने सीट मिली था, हाँ उनके फेस टू फेस बैठने। तो मेरे जीडी का इम्प्रेशन ही उनपे बहुत अच्छा रहा, वो ऐसा कुछ तो था जिसे आपको याद करके बोलना है, वो पेपर में सारा स्टोरी लिखा हुआ था, वो पढ़ के आपको बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रखना था कि कहाँ कब क्या हुआ। एक्चुअली हम लोग ने टॉपिक था जॉन बोल के, उसके डेथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो वो वहाँ पे 3-4 पैनल मेंबर्स जो, और जीडी में हम लोग स्टार्ट इनिशिएट नहीं किए थे बट कंक्लूड हम किए थे, और बीच में 4 से 5 बार बोले थे, और थोड़ा सा एज मिल गया था ना, जैसे बाकी लोग शुरू किए थे हु किल्ड जॉन, और वहां पे हमने नोटिस किया कि इट वाज लाइक हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेथ ऑफ जॉन। तो ये पॉइंट जैसे हम बोले ना कि टॉपिक इज नॉट हु किल्ड हिम, इट इज लाइक हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन वहां पे क्रिएट किया। आखिर वो चाहिए ना वो हुआ, तो फिर जीडी के बाद से ही लाइक थोड़ा हेल्पफुल थे वो लोग, समझे कि हाँ ठीक है सारे बच्चे नर्वस हैं ऐसा वैसा हो रहा है, तो काफी होता ना वो लोग पानी ला के देना या आपको कंसोल करना, अरे कोई बात नहीं हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था ये वो, मतलब तो उनको वो दिखना चाहिए कि आपको आता है, आप कर लोगे, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो खा जाएंगे, वो खुद थोड़ा हेल्प आउट कर देते हैं, लाइक हाँ ठीक है नॉर्मल है कोई बात नहीं ऐसा करके। तो वो जीडी का राउंड बहुत अच्छा रहा, मेरा पूरा इंटरव्यू में जीडी ही हेल्प किया बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको वहां पे पता चला कि हाँ हम बोल पाते हैं या चीजों को ग्राफ कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, जो बोलना था तो ऐसे नहीं सिर्फ अपने ग्रुप में, जितने पैनल थे उनके साथ भी आई कांटेक्ट करके बोलने का कोशिश किए थे। तो जीडी जीडी हुआ, फिर उसके बाद एक्चुअली मेरा दोनों में सिलेक्शन था, आईटीसी टोबैको और आईटीसी कॉर्पोरेट डिवीजन। तो पहले दोनों के पैनल ने मिलकर इंटरव्यू लिया था, फिर उस फर्स्ट इंटरव्यू में जो सिलेक्ट के बाद वो गए थे टोबैको के लिए, तो मेरा टोबैको में नहीं हुआ, फिर कॉर्पोरेट डिवीजन वाले जो थे दो दो करके उन्होंने दो इंटरव्यू लिया, तो टोटल पीआई का 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू था मेरा, सो एंड उसमें वही लाइक पहले एक क्वेश्चन याद है मेरा जो सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू था, उसमें वो बोले कि मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, एंड आप मेरे को वो बुक वाला लाइन नहीं सुनना, आप रूम में जो भी एग्जाम्पल दिख आप उससे मेरे को समझाओ कि मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। तो उन लोगों को वो मियाँ मोर का पैकेज दिया गया था, तो वो मिक्स में याद आ गया, और उनका फोन पड़ा हुआ था तो फोन और चार्जर कंपोजिट में हो गया, ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा टाइम। अच्छा, इसमें ये टोटल इंटरव्यू प्रोसेस में कितने आवर्स उन्होंने टाइम लिया, लाइक हर एक राउंड ऑफ इंटरव्यू कितने मिनट्स के आपके हो रहे थे? मेरे केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो गया था, सुबह से लेके शाम लग गया था, और जैसा कि बताया वो लोग आईटीसी के हेडक्वार्टर में ले जाके ऑफर लेटर दिए थे, तो सबसे लेंदी मेरा ही था, बाकी वेदांता का तो जो शॉर्टलिस्ट है वेदांता में इतनी देर सिलेक्टेड, इनका 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म, और मेरा शुरू हो गया था 9 बजे से और शाम में 4 या 4:30 बजे जाके ऑफर लेटर मिला था, नहीं, तो आईटीसी का जो काफी इंटरव्यू लंबा होता है वन ऑफ द डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है, एंड पहले भी लास्ट बहुत कैंपस ज्यादा। में एक स्टूडेंट को लेके गया था आईटीसी, प्रशंजीत वो था, वो भी मेरा स्टूडेंट ही था, एंड लास्ट कैंपस में ही सिलेक्टेड इन आईटीसी टोबैको, तो उसका भी बैक टू बैक क्वेश्चंस, और जैसे आपके साथ हुआ है ऐसे ही बहुत लंबा हुआ था उसका इंटरव्यू। तो आईटीसी सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू लेते हैं डिफिकल्ट सीमे है कैंपस क्योंकि में। हाँ ऐसा है ना, मैं अभी 3-4 साल तक मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं देना जो आईटीसी में किया है उसने। अरे सो जब वो आपको कॉर्पोरेट ऑफिस लेके जा रहे थे, देन आपकी मतलब फीलिंग क्या थी जब आपने, लाइक होता है ना एक ड्रीम कम्स ट्रू की आईटीसी की इतनी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग और आप उसमें आप गए, तो आपको कैसा फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था ड्रीम है ये सारा, पता नहीं सच है कि नहीं है, और जब तक उन्होंने वो ऑफिस तब तक मेरा हालत खराब था, अभी भी बदल सकते हैं ये लोग, क्या पता अभी भी ना मिले। और हम फ्रंट सीट पे बैठे थे, वो लोग पीछे थे, तो जो टोबैको वाला मेरा इंटरव्यू देते ना वो लोग खतरनाक इंटरव्यू था उनका, तो उससे निकलने के बाद ही मेरा फेस एकदम डर लग रहा था, रो देंगे वैसा हाल है, तो वो लोग पीस करते हुए ले जा रहे थे कि वहां जाके मतलब आईटीसी हेडक्वार्टर में जाके आपका एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा उन पैनल के साथ जो जिन्होंने आपका टोबैको में लिया था, लाइक हम रो दिए हम नहीं जाना था, अच्छा, ठीक है बोला मजाक मस्ती करते हुए लेके गए, फिर बोले चलो इसी बहाने तुम अपना ऑफर भी देख लोगे, एंड फाइनली जब वो ऑफर लेटर मिला तो अपना आंसू कंट्रोल से कि नहीं यहाँ नहीं होना है, तो वो तब फील हुआ कि हाँ चलो सारा चीज सक्सेसफुल रहा, इतना मेहनत काम आया।
राइट राइट, वो दिन जिसके लिए आप पढ़ाई करते बिल्कुल हो, एट द एंड देखो सबको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, ठीक है, एट द एंड हम इसी सोच के साथ हम सीएमए कोर्स में आते हैं। तो आखिर आपका सीएमए करने का डिसीजन वन ऑफ द सक्सेसफुल डिसीजन रहा, राइट? हाँ, सबसे सो सक्सेसफुल डेफिनेटली बेसिकली इन फ्यूचर आप और भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे सीएमए कोर्स करने के लिए? बिजनेस रहा। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में जैसे बोले कि कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा इस कोर्स में। थोड़ा यार डेफिनेटली, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत अप्स एंड डाउन आएगा, बट रिटर्न जिससे मिलेगा उससे ज्यादा खुशी का दिन कुछ नहीं होगा। नहीं सो लाइक जब आप ऑफर लेटर आप अपने मम्मी को आपने दिया या फिर बताया, तो वो वाला मोमेंट लाइक मम्मी का कैसा था? फोन पे बताया था आपने फर्स्ट टाइम में या फिर आप मिले थे तभी वो चीजें शेयर हुई बिल्कुल, फोन पे? तक मम्मी से मिलना नहीं हुआ, फोन पे ही बताए थे। मम्मी पापा किसी के शादी में थे, तो मतलब जस्ट कॉल किए, हाँ मम्मी मेरे को ऑफर लेटर मिल गया, मम्मी रेडी हो रही थी, तो बाकी फैमिली मेम्बर थे। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मम्मी को रोता हुआ देख खुशी मिल रहा था, तो और रो लो, मतलब वो इतना ज्यादा खुश थी। और मेरे पापा वापे हर किसी को पता था कि मेरी बेटी शादी में जाते, मेरी बेटी का जॉब लग गया, मेरी बेटी का जॉब लग गया, पागल हो गए थे वो लोग। मतलब उनके खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरे से ज्यादा खुश वो लोग देखो थे। वो हमेशा होता प्राउड है ना, मोमेंट होता है कि हाँ चल रही बेटी। राइट? अच्छा तुमने तुमने कैसे बताया अपने मम्मी को लाइक कि मम्मी मेरा आईटीसी में हुआ है, 12 लाख का पैकेज लगा है, या कैसे बताया? क्योंकि ये चीज ना थोड़ा सा होता है कि लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम जैसे क्वालिफाई किया और 12 लाख का पैकेज ऑफर हाथ में होता है, ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा देखा होता है, कभी फील नहीं किया होता, फील वो फर्स्ट टाइम ही हो रहा बिल्कुल, होता और है। वो फील आप किसी का सुन के नहीं फील कर पाओगे जब तक खुद ना हाँ फील करो, और जो फील किए हो वो किसी को वर्ड्स में नहीं बता पाओगे। ये राइट, तो हो जाता तो मम्मी जैसे कि उस दिन लोगों को पता था कि मेरा इंटरव्यू है, तो सुबह किसी का कॉल नहीं आया था, मेरे केस में तो काफी टाइम हो गया था, तो उनके मन में ऐसा लगता है इसका नहीं हुआ, इसका कॉल नहीं आया। तो जैसे ही हम कॉल किए तो पहला क्वेश्चन ये था, हाँ क्या हुआ? तो बोले हाँ हो गया, वैसे सिंपल था, हाँ हो गया सिलेक्शन हो गया। उसके बाद तो कुछ बोलने का था ही नहीं, कौन सी कंपनी में हुआ, कितने का पैकेज लगा, ये सारा आफ्टर 5 मिनट बाद पूछा गया। उससे पहले वो ही वो रोना धोना फिर उसके बाद अच्छा बताया आईटीसी में सिलेक्शन, वो फोटो जो ऑफर लेटर वाले जो आपको भी भेजे थे वो उनको भेजे। बहुत खुशी वाला टाइम था, वो पैकेज सुनने के बाद तो और ज्यादा खुश थे कि तो फिर मम्मी और हाँ ज्यादा रो चलो रही अच्छा थी या है। कम रो रही? खुशी भाई के हर जगह से इतना कॉल, सब कुछ बहुत खुश है, तो नहीं डेफिनेटली वो मैं भी सिलसिला बहुत अभी खुश तक हुआ चल था, रहा है। हाँ लाइक मुझे याद है तुम्हारा वो मैसेज जब तुमने मुझे मैसेज किया था, सो मुझे भी बहुत ज्यादा था कि तुम्हारा हो जाए बस सिलेक्शन, मैं मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए था मैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बाकी लोग और तो सब बाकी ठीक है। बताने में पहले कॉल हम आपको दिए थे, मेट्रो चलो में थे, आपको बताया हाँ भैया हो गया, फिर घर पहुंच के घर वाले को बताए थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कुछ सजेशन टिप्स फॉर अपकमिंग सीएमएस के लिए? हाँ यही सजेशन है कि अच्छे से पढ़ो, डेडिकेटेड रहो, पर बहुत कोई बहुत कुछ बोलेंगे, किसी को नहीं सुनना है, जो तुमको सही लग रहा है वो करते जाना है, एंड रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने साथ हमेशा फेयर रहो, और अपने साथ चीटिंग करोगे तो फिर रिजल्ट के लिए प्रिपेयर रहो कि फेल ही होना, जस्ट खुद के साथ लॉयल रहो, दैट इज अपनी पढ़ाई के साथ लॉयल रहो, रिविजन करो जितना ज्यादा हो सके। आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, फोन है हाथ में तो कुछ भी कर सकते हो। लाइक हम जब ट्रैवल करते थे तो अपने जो पढ़ती रखे सुबह सुबह लाइक पढ़ रही, तो हम उसको अपने वॉइस रिवीजन के लिए मतलब रिकॉर्ड कर लेते थे, तो आते जाते उसको सुनते रहते थे। फिर उसके बाद घर में चार्ट पूरा भरा हुआ था कि हाँ चलो अभी ये जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जितना सारा क्वेश्चन है, तो आप सोचोगे ना हाँ बैठ के पढ़ना है, वो नहीं हो पाता, बस हाँ मैगी खा रहे हो चाय पी रहे हो एक बार वो चार्ट गो थ्रू कर लो। तो अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से छोटा छोटा चीज करो जिससे वो हमेशा आंख के सामने रहे, याद आते रहे, राइट एंड राइट, बस 2 साल 3 साल का डेडिकेशन वो कर लो, फिर मस्ती मस्ती है। बिल्कुल चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू कॉर्पोरेट जर्नी, होप सो कि आप बहुत सारे अचीवमेंट्स लो एंड फ्यूचर में हम फिर से आपकी स्टोरीज रिकॉर्ड करें, एंड कनेक्ट रहना मेरे से। हाँ भैया, आपको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, चलो आप बहुत कोई भी डाउट है आई नो आई कैन कॉल यू एनी टाइम, एंड इतना इस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं रहता है किसी को भी। आप आपके जॉब के साथ साथ, और मेरे को लगता है जितने भी स्टूडेंट हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आप पर्सनली सबको टाइम देते थे, सबके क्वेरीज को सॉल्व करना,
डाउट है तो उस पर बताना, या खुद से एड ऑन करना, हाँ ये करो ऐसे करो, तो बहुत हेल्पफुल यार। आगे हमको पता है, आई विल मीट यू। या श्योर, अभी तो जर्नी शुरू ही हुआ है अभी बस। तो जर्नी शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ है लाइफ में। अभी तक प्रोसेनजीत का ना लाइक हमेशा हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे उसका कॉल आता है। उसको ITC टोबैको में नागपुर लोकेशन मिला है, तो हमेशा 5 6 दिन पे कॉल करेगा वो मेरे को। तो अच्छा लगता है कि लाइक अभी स्ट्रेंड ना आगे एक भी बढ़ हर्डल भी रहा। क्रॉस हाँ हुआ है, क्या, एक हर्डल जस्ट क्रॉस हुआ है। अभी बहुत सारा हर्डल्स आता है, तो वी अभी ऑल विल बहुत है मीट यू। थैंक यार। डेफिनेटली डेफिनेटली, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय।